हेलो फैमिली, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आज आपको 2 BHK अपार्टमेंट दिखाऊंगा। कुछ भी हॉच पॉच नहीं, 2.5 BHK अपार्टमेंट है। बेसिकली बोल रहा हूँ 2 BHK, आपको 2.5 BHK दिखा रहा हूँ। 70 लाख रुपए बेसिक वैल्यू होने वाला है। स्टार्ट करूंगा स्टार्ट से, लेकिन वो फ्लैट के बाहर से। ये है फ्लैट के बाहर की लॉबी, ये भी आपकी है, ठीक है? तो इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो और अंदर आ जाओ। एंट्रेंस पे मिल जाती है आपको अच्छी खासी गेट, क्वालिटी आके चेकआउट कर लो। 70 लाख रुपए बेसिक वैल्यू में 2 BHK अपार्टमेंट, रेडी टू मूव इन फ्लैट, सुस लोकेशन में दिखा रहा हूँ। ऐसा आपको डोर मिलने वाला है। और अंदर आ जाते हो तो देख सकते हैं आपकी लिविंग एंड डाइनिंग कैसी है। इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको बाहर की आवाज़ ना आए और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये है आपकी बेसिकली लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। देखो, मेन पॉइंट ये है कि आपको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट मिल रहा है। 2.5 BHK अपार्टमेंट, क्लोज टू 3 BHK या स्मार्ट 3 BHK भी इसको मैं कह सकता हूँ। इसमें आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं, ठीक है, 2 वॉशरूम मिलते हैं। तो आप इसको स्मार्ट 3 BHK भी कह सकते हो या 2.5 BHK भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन सिर्फ 70 लाख रुपए बेसिक वैल्यू में। तो ये है लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन, 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। आगे का आपका लिविंग का हो जाता है एंड ये हो जाता है आपका डाइनिंग का सेक्शन, ठीक है? आपको 0.5 का कहाँ पे मिल रहा है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सॉरी, बेसिकली लाइट की कमी के कारण ना लाइट नहीं है यहाँ पे, कुछ चीज़ें चल रही है, अभी पोजिशन दी जा रही है, तो यू नो फाइनल टच बाकी है। तो बेसिकली ये है आपका 0.5 BHK का रूम, जहाँ पे आप इसको पूजा रूम बना सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो तो उस तरीके का सेटअप कर सकते हो। ऑफिस का छोटा सा सेटअप कर सकते हो, एक छोटा एक बेड लगा सकते हो आप, ठीक है? और अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो उनको ये आप रूम अलॉट कर सकते हो। आपके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, इसकी जो भी एग्जैक्टली साइज है मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिविंग एंड डाइनिंग दिखा दी, आपको 0.5 का मैंने बेडरूम दिखाया। इसके साथ आ जाती है आपकी एक बालकनी जो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये 14 फ्लोर की बिल्डिंग है, रेडी टू मूव इन। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 14 फ्लोर पे बना रहा हूँ, ठीक है? 14 माले पे ये बिल्डिंग, 14 माले की बिल्डिंग है, 14 माले पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये है आपकी बालकनी। बेसिकली यहाँ पे ये टेरेस होने वाला है, सॉरी बालकनी नहीं, ये टेरेस है आपकी, जहाँ पे ये ओपन रहने वाला। आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है? ये आपके ऊपर है, आप इसको कवर कर सकते हो। इसकी जो भी साइज होगी मैं आपको स्क्रीन पे एग्जैक्टली साइज दे दूंगा। और जैसा कि आपने व्यू तो देख ही लिया है, तो अब मैं दिखा देता हूं आपका किचन। तो ये है किचन। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो किचन की जो ग्रेनाइट काउंटर टॉप दिया गया है उसकी चौड़ाई काफी ज्यादा अच्छी है, जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी। नीचे क्लोज कैबिनेट्स हैं एंड ऊपर क्लोज कैबिनेट्स दिए गए हैं, बट आपको रॉ अपार्टमेंट मिल रहा है तो आपको क्लोज कैबिनेट्स नहीं मिलेंगे, जस्ट शो फ्लैट के तौर पर इसको रखा गया। एंड इस साइड में आपकी आ जाएगी रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, ठीक है? अब जैसा कि देख सकते हैं पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। अभी मैं दिखाता हूं इसका ड्राई बालकनी। तो ये है इसकी ड्राई बालकनी, जिसको आप कह सकते हैं यूटिलिटी सेक्शन। यहां पे आ जाएगी आपकी वॉशिंग मशीन। यहां पे आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन की प्रोविजन दी गई है, आउटलेट स्टैप दोनों दे दिए गए हैं। एंड वेंटिलेशन पर्पस आप देख सकते हैं हवा कितनी अच्छी बह रही है, तो आपके कपड़े इजिली सूख जाएंगे। तो ये है आपको, जैसा कि मैंने दिखा दिया किचन, इसकी यूटिलिटी सेक्शन दिखा दी। अब मैं दिखाता हूँ आपको बेडरूम्स वगैरह। तो ये 2.5 BHK अपार्टमेंट है, बेडरूम नंबर 1 जैसा कि मैंने पहले आपको दिखा दिया है। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 2, प्लीज कम। ये है आपके बच्चों का बेडरूम, जिसमें आप देख सकते हैं 2 बेड लगाए गए हैं सिंगल सिंगल, जहां पे आपके बच्चे इजिली आपके यू नो सो सकते हैं फॉर वेंटिलेशन पर्पस। यहाँ पे आपको विंडोज दे दी गई है, ठीक है? काफी मतलब व्यू काफी अच्छा है अगर आप देखेंगे यहां से तो। एंड यहाँ पे आ जाती है आपके वार्डरोब के लिए स्पेस, जो कि आपके नीच एरिया में दे दिया गया। तो इससे क्या होता है ना कि आपका फ्लोर प्लान कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये नीच स्पेस है, तो आपका वहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। मतलब ये प्लानिंग में नहीं है, जो आप साइज देख रहे हो उस साइज में ये आपका वार्डरोब नहीं आ रहा है। आपने देख लिया बेडरूम नंबर 2। तो उसके सामने आ जाती है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम से पहले आपको दिखा दूं, तो बाहर आपको मिल जाती है आपकी वॉश बेसिन, अंदर हम चलते हैं तो आपको दिखा दूं मैं आपकी। ये है शावर सेक्शन एंड यहाँ पे आ रही है आपकी कमोड एरिया। यहाँ पे वेट एंड ड्राई एरिया को अलग कर दिया गया है, टाइल्स ऊपर तक लगाए गए हैं ताकि आपको सीलिंग की समस्या ना हो। और यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज एंड एग्जॉस्ट के लिए अलग से प्रोविजन दे दिया गया, तो आप यहाँ पे एग्जॉस्ट का प्रोविजन कर सकते हो, ठीक है? ये है कॉमन वॉशरूम, एग्जैक्टली इसकी साइज मैं दे दूंगा। एंड ये है आपका थर्ड बेडरूम, बेसिकली 2.5 BHK का। ये एक मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे आप देखेंगे कि एक मास्टर बेड लगाई गई है। एंड राइट हैंड साइड में आपको दी जा रही है वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज, नीचे वाला एज इट इज रह जाएगा, ऊपर वाला आप मूव कर सकते हो एज पर योर वेंटिलेशन पर्पस। एंड यहाँ पे आ रही है आपकी वार्डरोब,
और अब इसकी डेप्थ देखें तो लगभग 1.5 फीट के आसपास की है, ठीक है। 792 का कारपेट, 2.5 BHK का अपार्टमेंट, 70 लाख रुपए बेसिक वैल्यू। अब मैं दिखाता हूं आपका अटैच वॉशरूम, प्लीज कम। अटैच वॉशरूम में आप जैसे आते हो पहले आपको मिल जाती है आपकी वॉश बेसिन, एंड ये है आपकी कमोड, एंड ये है आपकी शावर सेक्शन। यहाँ पे भी ऊपर तक टाइल्स लगाए गए हैं तो आपको सीलिंग की समस्या काफी हद तक कम हो जाएंगी। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज दी गई है एंड एग्जॉस्ट के लिए प्रोविजन कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वेट एंड ड्राई एरिया को अलग कर दिया गया है। तो ये 2.5 BHK अपार्टमेंट या तो स्मार्ट 3 BHK अपार्टमेंट भी कह लें, 70 लाख रुपए बेसिक वैल्यू का ये अपार्टमेंट है, सुस लोकेशन में। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडी टू मूव इन। अगर आप रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट देख रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आके प्लीज एक बार चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर दिए गए हैं। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं एसेट उस्ताद यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।